आज हम आपको बताएंगे उस क्रिकेटर के बारे में जो अब परिचय का मोहताज नहीं है। टीम इंडिया के लिए शानदार पारियां खेली और हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ धमाका मचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की और आज हम आपको बताएंगे श्रेयस अय्यर के क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, श्रेयस अय्यर का जन्म 6 दिसंबर 1994 को एक साधारण से परिवार में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ। इनके पिता का नाम संतोष अय्यर और माँ का नाम रोहिणी अय्यर है। इनका परिवार मूल रूप से केरल का रहने वाला है। श्रेयस ने मुंबई के पोदार कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। 12 साल की उम्र में श्रेयस अय्यर के जीवन में महत्वपूर्ण घटना घटी। भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर प्रवीण आमरे ने उन्हें शिवाजी पार्क जिमखाना में खेलते हुए देखा। उनका टैलेंट देखकर प्रवीण आमरे ने इन्हें कोचिंग देने का निर्णय किया। शुरुआती दौर में उनके खेल की आक्रामकता देखकर उनके साथी इनकी तुलना भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग से करते थे। पोदार कॉलेज से ग्रेजुएशन करते वक्त भी उन्होंने अपने कॉलेज की टीम को कई बार ट्रॉफी जीतने में मदद की। मार्च 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में श्रेयस को विराट कोहली के कवर के रूप में भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया। हालांकि उन्हें अंतिम एकादश में शामिल नहीं किया गया, लेकिन एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में वो कुछ समय तक मैदान में रहे और उन्होंने विपक्ष के एक बल्लेबाज को रन आउट भी किया। अक्टूबर 2017 में इन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। 1 नवंबर 2017 को न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें अपना पहला एक दिवसीय मैच खेलने का मौका मिला, लेकिन बल्लेबाजी के दौरान उनकी बारी ही नहीं आई। आखिरकार 4 नवंबर 2017 को इन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला और इन्होंने 21 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेली। उसके बाद इन्हें श्रीलंका के खिलाफ भारत की एक दिवसीय टीम में शामिल किया गया। आपको बता दें, 10 दिसंबर को श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने अपना पहला मैच खेला। बाद में जनवरी 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी इन्हें टीम में रखा गया। अब आपको इनके आईपीएल प्रदर्शन के बारे में बताते हैं। फरवरी 2015 में आईपीएल की फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल्स ने इन्हें 2,60,00,000 की बोली लगाकर अपने साथ जोड़ लिया। ये उस सीजन के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी रहे। हालांकि उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल 14 मैच खेलकर 33.76 के औसत से 439 रन बनाए और आज श्रेयस अय्यर टीम इंडिया का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक शानदार पारी खेली, वो काबिले तारीफ थी। तो ये थी श्रेयस अय्यर के क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय रखिएगा। आगे भी हम ऐसे ही आपके लिए और क्रिकेटरों की कहानी लाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब करें।